अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये 300 ग्राम मैदा ले लिया है, और ये मेरे पास ना हाफ टी स्पून सॉल्ट है। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप भी यूज़ किया करें। और मैंने 1 टेबल स्पून जो है चीनी ले ली है, वाइट चीनी, और हाफ टी स्पून मैंने ना बेकिंग पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और मैं इसमें ना तकरीबन 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून ना ऑयल डाल दूंगी, और इसे ना मैं नीम गर्म पानी से भून लूंगी। ये मेरे पास 1 कप जो है ना पानी है, जितना यूज हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। लच्छा पराठा बना रहे हैं, तो ये मैं उसकी डो तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी, मेरे पास बिल्कुल ये हल्का सा नीम गर्म पानी है। अच्छा व्यूअर्स, ये थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे हम, और इसे ना गूंथते जाएंगे। बस ये मैंने ना गूंद दिए दो लच्छे पराठे की, और मैं अब इसे ना कुछ देर ना रेस्ट दूंगी। 2 घंटे रख लें, 1 घंटा रख लें, 3 घंटे, जितना आपके 30 मिनट्स रख लें, जितना आपके पास टाइम हो। तो मैं इसे ना 2 घंटे के लिए रखूंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये ना 2 घंटे हो गए हैं, और मैंने ये फ्रिज में रखा हुआ था 2 घंटे ना, और मैंने निकाल लिया, तो अब हम इसके ना पेड़े बनाते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने ना सारा आटा ले लिया, और मैं इसके ना पेड़ काट लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारे पेड़ बना लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना पेड़ बना दिए, और इन्हें ना थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ना मैं रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद बनाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये ना मैंने पेड़े बना के रखे थे, 15 मिनट हो गए हैं, और अब हम ना इसका लच्छा पराठा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आटा डस्ट कर लूंगी, अब हम बेलते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना रोटी बेल ली है। इसकी शेप की कोई वो नहीं है कि आपने बहुत गोल रखने हैं, कुछ भी, क्योंकि हमने तो इसका पराठा ही बनाना है। और ये मेरे पास ना देसी घी है, अगर नहीं है तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं, या डालडा घी से भी बना सकते हैं, वो कोई पाबंदी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मैं थोड़ा सा देसी घी लगा दूंगी, इन बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से मैंने यूँ पकड़ना है, और यूँ पकड़ना है इसे। ये हम आहिस्ता ऐसे ऐसे लेथ के जाते जाएंगे, और ये हमारा ना बनता जाएगा। अब मैं इसको ना ये अपनी 2 उंगलियों पर, ये जो मेरी 2 फिंगर है ना, 2 उंगलियां, इस पर मैंने लपेट लेना है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने इधर से बंद कर देना, ठीक है? इसे मैं उतार लूंगी पराठे को, ये देखो। और मैं इसे ना अब इसी तरह मैं बना लूंगी, जितनी मुझे जरूरत है उतने मैं बना लेती हूँ। इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। मैंने एक और ये पराठे की रोटी बेल ली है, और मैं इसका भी पराठा बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि आप सबको सही समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पकड़ना है, और इसने ये खुद ब खुद ही बंद हो जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे ना, ये फिर बंद हो, ये 2 फिंगर पे लेना है हमने इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने लपेट लेना, और आखिर में हमने इसको बंद कर देना, और ये उतार के तैयार। इसे कोशिश करें कि थोड़ा सा हाथ से पतला कर लें, और फिर अगर बेलन की मदद से थोड़ा सा रह जाए तो फिर इसे कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ज्यादा दबा दबा के नहीं हमने इसको बेलन से करना, क्योंकि इसके फिर वो ये खराब होंगे ना बल।
फिर इसके लच्छे खराब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बहुत हल्के हाथों से इसको बेलूंगी ना, फिर लच्छे नहीं खराब हों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा ना लच्छा पराठा बेल गया और मैंने जो तवा रखा हुआ प्री हीट हो गया उस पर डालते हैं। बिस्मिल्लाह, अगर साइडें वगैरह आपने सही करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी ना साइड चेंज करती हूँ, फिर मैं इधर ना ये देसी घी जो है ना मैं इधर लगाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ा सा इस पे सही देसी घी लगेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्योंकि हमारा ये जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बन रहा है अच्छा पराठा। और दरमियानी आँच हमें रखनी है, ज्यादा भी नहीं रखनी ताकि जले ना, और ज्यादा कम भी नहीं रखनी ताकि ज्यादा कच्चा ना रहे। सही दरमियानी से आँच को पक गया। अभी बस देखें, एक साइड हमारी बहुत अच्छी सी पक गई है और ये मैंने आपको इसकी साइड दिया हमारी थोड़ी सी और करूँगी। अच्छा, अभी बस देखें, ये हमारा ना लच्छा पराठा तैयार है और अब आप दूसरा भेज देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा मैं इसे ना हाथों से बड़ा कर लूंगी। आटा डस्ट कर लेंगे और अपने हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो बिस्मिल्लाह, देखें, ये हमारा दूसरा पराठा भी बेल गया और मैं डालूंगी हमारा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर थोड़ी सी साइड वगैरह सही करनी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखें, ये हमारा दूसरा भी लच्छा पराठा बन पक रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साइड चेंज की है, बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे बहुत मजे के बहुत अच्छे पराठे बन रहे हैं। अगर आपने व्यूअर्स जरूर ट्राई करने हैं, ये बहुत मजे के बनकर तैयार होते हैं। जो साइडों पे देसी घी है आप उसे भी हम लोग साफ लगा देंगे। बिस्मिल्लाह, देखें, बहुत प्यारा से बन रहा है हमारा पराठा। आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। देखिए, हमारे बहुत प्यारे से लच्छे बने हैं। हो गया तकरीबन हमारा, मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमारे लच्छा पराठा तैयार हो गया, मैं आपको इसके लच्छे चेक करवाती हूँ। देखें, बहुत ज्यादा अच्छे लच्छे बने हैं हमारे, बहुत मजे के पराठे बने हैं। और मैं आपको दूसरा भी चेक करवाती हूँ। देखें, आप इसकी तय काउंट करें। और ये भी हमारे, मैंने तीन पराठे बनाए हैं जितने मुझे जरूरत थी। ये देखें, बहुत मजे के बने। अच्छा व्यूअर्स, अगर ये मेरी रेसिपी लच्छा पराठा की आपको पसंद आए तो लाइक करें मेरे चैनल को, तो और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं।